हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार अब इन्वेस्ट फॉर हो चुका है तो डोंट बी कंफ्यूज हमारे पास हमारे ये चैनल पे इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे एज वेल एज ऐसी वीडियोज लाने की कोशिश करेंगे जो आपको मल्टी बैगर रिजल्ट दे एज रिटर्न दे एज वेल एज आपके लॉन्ग टर्म में भी जो हेल्प करे शॉर्ट टर्म में भी हेल्प करे लॉन्ग टर्म में भी हेल्प करे और अच्छा खासा पैसा आप मार्केट से बना सकें तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर वीडियो में आगे बढ़े आज की थीम, क्या है? आज की थीम है ऐसे दस स्टॉक देखिए मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है 8000 प्लस स्टॉक्स है ओके और 10 स्टॉक से रिलेटेड क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि ये 10 स्टॉक ना आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं 10 साल 5 साल इतना टाइम दीजिए ये शेयर आपको करोड़पति बना देंगे और बट करोड़पति लेके लोग कहते हैं कि इन दो शेयरों को रख लीजिए आप करोड़पति बन जाएंगे इन एक शेयर को रख लीजिए आप करोड़पति बन जाएंगे अः बन जाएंगे बट उसमें उसी तरीके का इन्वेस्ट भी करना होता है तब आप बनते हैं वरना आपको टाइम लगेगा धीरे धीरे और मैंने अपने दस स्टॉक चुने हैं देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रहता है कि आप करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे ओके आप आ, आप सोचेंगे कि पांच हजार लगा के मैं पांच साल में एक करोड़ रुपए कमा लूंगा तो ये कंप्लीटली इम्पॉसिबल है बट इम्पॉसिबल में या इम्पॉसिबल होता है तो वो भी पॉसिबल है बट इम्पॉसिबल ज्यादा है अगर बात करें आप दस लाख रुपए लगाते हो और पांच साल में बात करते हो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा ये पॉसिबल है आप 10 साल में 10 लाख रुपए लगा के आप 10 साल बाद कहते हो कि मैं 10 करोड़ रुपए कमा लूंगा ये भी पॉसिबल है मतलब बहुत सारी चीजें पॉसिबल है बट आप कहोगे गया दस हजार रुपये लगा के मैं दस करोड़ रुपए कमा लूंगा तो इसके लिए देखिए उतना टाइम भी लगना लगेगा और उसके लिए आपके पास उस तरीके की नॉलेज भी होगी बट हम जो बात कर रहे हैं फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं आई एम नॉट गिविंग यू फॉल्स एक्सपेक्टेशन की अभी हाँ, आप, आप एक हजार रुपये लगाओगे और करोड़पति बन जाओगे तो ऐसा कहना वाले बिल्कुल गलत है एक इन्वेस्टमेंट होती है एक प्रोसीजर होता है एक प्रिंसिपल होता है उसके थ्रू चलना होता है तो देखिए मैं दस स्टॉक आपके पास लेके आया हूँ दस स्टॉक के बारे में बातें करेंगे एंड बात करेंगे कि वो स्टॉक आपको किस तरीके के गेंद दे सकते हैं और देखिए बीच बीच में उन स्टॉक्स को रिवाइज भी करना होगा और देखिए मार्केट में और भी बहुत बेहतरीन स्टॉक्स है तो उन्हें भी अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी होगी अगर इन दस

उसके बाद तो ये लगभग लगभग लग लग अगर बात करें अच्छा खासा लगभग लग चार गुना ये शेयर बढ़ता हुआ नजर आया है तो अच्छे खास गेंद है अभी भी टॉप पर ये ट्रेड कर रहा है और अभी भी इसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा है दस साल का है पांच साल का हॉराइजन है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो आपका शेयर है बहुत मल्टी आपको रिटर्न देगा क्योंकि तो जिस तरह की कंपनी जिस तरीके की मैनेजमेंट है ओके ये कंपनी आगे जानी है देखिए स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप कुछ नहीं होता All uh, at last matter is कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं आपकी जो कंपनी आपने चूज करी है फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है इनका मैनेजमेंट अच्छा है एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन तो इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए ओके मुझे लगता है कि इन्फोसिस से ज्यादा रिटर्न ये देगा मुझे लगता है कि टीसीएस से ज्यादा रिटर्न आने वाले टाइम में ये देगा क्योंकि छोटी कंपनी ही बड़ी बनेगी बड़ी कंपनी बड़ी ऑलरेडी है बट छोटी कंपनी को भी बड़ा बनना है और इस तरीके की कंपनी में आपके पास लाया हैपीएस्ट माइंड पहली पिक है इसके अलावा आई की एक और कंपनी

पिछले एक साल में डेढ़ से दो करोड़ इनके कस्टमर बढ़े हैं। एज वेल एज बात करें जितना भी आप ट्रेड करते हैं तो आपका कुछ परसेंटेज ट्रेड का जो आपका ब्रोकरेज लगता है उसका कुछ परसेंटेज यहाँ पर सी को जाता है और जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा और जैसे, जैसे जैसे लोग और एंट्री करेंगे तो ये स्टॉक मल्टी बनने वाला है पांच से दस साल का टाइम दे दीजिए ये स्टॉक आपको मल्टी रिटर्न देगा अभी तक भी दो के रिटर्न दिए अभी रिसेंट लिस्टिंग है बट ये मैं सोच रहा है ऑल टाइम हाई पे है ये ऑल टाइम हाई पे बिल्कुल भी नहीं है पांच साल बाद देखेंगे तो ऑल टाइम हाई आपको पता चलेगा पांच साल बाद ऑल टाइम हाई इसका क्या होगा ओके कितने बार ये डिविडेंड कितने बार ये बोनस कितनी बार स्प्लिट दे चुका होगा वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिट बट अगर बात करें अभी तो अच्छे खासे रिटर्न दिए है

क्योंकि फॉरेन uh, इन्वेस्टर इसी तक की तलाश में है कि जैसे जैसे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है उसकी रौनक भी तो चाहिए और रौनक किससे आती है पेंट से आती है तो याद रखिएगा ये शेयर भी भागता हुआ मुझे नजर आ रहा है बात कर लेते हैं देखिए केमिकल्स चाइना से जिस तरीके से हम अलग होते जा रहे हैं तो केमिकल्स इंडस्ट्री हमारी बढ़ेगी और जैसे जैसे केमिकल इंडस्ट्री बढ़ेगी और जो बड़ा बड़ा नाम आ रहे हैं ओके उसमें जिस तरीके का ये कंप्लीटली जो भी स्टडी है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस है ओके आई एम नॉट टेलिंग यू मेरे फेवरेट है ओके आई एम टेलिंग यू ये इन्होंने अच्छे रिजल्ट पेश करे इस वजह से आई एम टेलिंग यू अबाउट स्टॉक्स तो अगर बात करें अच्छे खासे रिटर्न तो देखिए इस स्टॉक ने दिए दिए ही बट लॉन्ग टर्म के व्यू से भी आप खेलेंगे ना तो भी ये स्टॉक एक दिग्गज स्टॉक है के रिटर्न दिए बट बीच बीच में आपको इन स्टॉक्स को क्या करना है आने वाली जब और वीडियोज आएंगी आने वाले में और दस शेयर से रिलेटेड बातें करूंगा तो उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो अपने वॉच लिस्ट में रखना वॉच लिस्ट में उन्हें फेर बदल करते रहना फेर बदल करते रहोगे तो कभी ये अच्छा गेंद गया तो कभी दूसरा अच्छा गेम देगा फिर इस तरीके से आपका पैसा मल्टीप्लाई होता जाएगा कंपाउंडिंग होती जाएगी अच्छा खासा गेन मिलते जाएगा तो दीपक नाइट्रेट उनमें से एक है बात करते हैं एक और कंपनी आरती सर्फेक्टेंट्स तो देखिए ये भी केमिकल सेक्टरी कंपनी है आरती इंडस्ट्री से अलग हुई है डीमर्ज हुई है और उसके बाद से जो ये शेयर भागा है 250 पे मैं शेयर पकड़ने की कोशिश कर रहा था बट डायरेक्टली अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट खत्म हुआ उसके मेरी हिम्मत नहीं हुई और आज की डेट में अगर मैं हिम्मत कर लेता तो देखिए 1400 हंड्रेड तक ये शेयर जाके आया है एक ज्यादा इसकी हिस्ट्री नहीं है एक साल के लगभग इस शेयर का हुआ है और इसकी जब देखेंगे ना जर्नी लगभग दो के रिटर्न इसने भी दिए तो इस शेयर की तरफ भी नजरें बनाइए करता क्या है आप सोप यूज करते हो आप शैंपू यूज करते हो आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो जो ये प्रोडक्ट्स में जो केमिकल्स होते जो हैं यही कंपनी बनाती हुई नजर आती है इसका कॉम्पिटिटर भी है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स उससे रिलेटेड भी हम एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे उसे भी देखिएगा तो आपको पता चले कि इनके जो पियर्स कंपैरिजन है इन्हें अभी अपने साथ में रखिएगा और साथ में चलिएगा तो अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा आ जाते हैं दूसरे शेयर की तरफ तो हिंदुस्तान फूड्स देखिए आई कैन टुक हिंदुस्तान यूनिवर आई कैन टुक मैरी को अलग अलग जो टावर से रिलेटेड है so, वो उन्हें ले सकता हूँ बट मेरा जो यहाँ पर स्टडी है वो क्या कहती है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हिंदुस्तान फूड्स है मैनुफैक्चर करता है और डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज है इनके जो क्लाइंट्स है अगर बात करें डाबर मैरिको एच यूएल और बाटा मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स है और अच्छे खासे क्लाइंट्स है इससे रिलेटेड वीडियो बना रखी है क्लाइंट से रिलेटेड बातें कर रखी है तो उस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगी उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाता है और जब ये प्रोडक्ट्स बनाता है तो बेसि बात है इसका जो रेवेन्यू है इसकी जो स्पीड है अच्छे खासा बढ़ती हुई दिख देगी अभी मैक्सिमम देखो इकतालीस हजार नौ सौ चालीस परसेंट के रिटर्न दे चुका है आने पिछले नौ साल के अंदर अंदर तो समझ रहे इसकी ग्रोथ क्या है तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी कंपनीज की तरफ हमें नजर बना के रखनी है बट बर... कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ते रहने हैं जो कि हम पढ़ते रहते हैं और जैसे ही हमें पता चलेगी कुछ खराबी है तब हम इसे बदलेंगे अदरवाइज इनके में रहिए अच्छा खासा रिटर्न मिलेंगे इसके अलावा बात करते हैं इन्फोएस इन्फोएस क्यों लिया है तो इनका जो बिजनेस प्लान है इन्होंने जिस तरीके से छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाद में इनकी जो कंपनीज है वो बहुत ज्यादा ग्रो हो जाती है यूनिकॉर्न बन जाती है मतलब वन बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाती है तो ऐसी कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देती हुई नजर आती है और जिस तरीके से इनकी जो इन्होंने

तो अगर बात करें आने और भी अगर बात करें थोड़ा सा टाइम और देते हैं टेन इयर्स और दे देते हैं तो यहाँ पर पीछे एक जीरो लगती हुई मुझे साफ नजर आ रही है थ्री जीरो थ्री एट जीरो

शेयर को अपने पोर्टफोलियो में वॉच लिस्ट में जरूर रखें बात करें निपोन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तो ये भी एक कंपनी उन दस स्टॉक्स में से है जो कि आपको आने वाले टाइम आने वाले दस साल में जिस तरीके से मार्केट चल रही है ओके तो जिस तरीके से नए नए लोग आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे सी डी एस एल को फायदा होगा ना वैसे इन कंपनीज को जो ए एम सी है एच डी एफ सी ए एम सी हो गई निपोन ए एम सी हो गई एस बी आई ए एम सी के आने की बात चल रही है तो ये जो कंपनी है ये और ज्यादा परफॉर्मेंस करेगी क्योंकि इन्होंने जिस तरीके के रिजल्ट पेश करे हैं एज वेल एज लोग देखिए सब तो स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते दे आर दे डोंट हैव दैट ऑफ टाइम कि वो अपना टाइम दे सके बिकॉज उनके जॉब भी रहते हैं उनके बिजनेस रहते हैं बट Uh, इसलिए वो क्या कहते हैं वो म्यूचुअल uh, फंड में पैसा डाल देते हैं और म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी इस साल लोगों ने पैसा निकाल के खुद करने लग गए बट आने वाले टाइम में जैसे मार्केट अब सुधर गई है धीरे धीरे पैसा आना शुरू हो गया है जैसे कि हमने कुछ पहले दिन कुछ महीने पहले न्यूज भी सुनी थी तो जैसे जैसे पैसा आता जाएगा लोग इन्वेस्ट करते जाएंगे म्यूचुअल फंड में वैसे वैसे ये कंपनीज बढ़ती जाएगी और निपॉन लाइफ मेरी उस कैटेगरी में नंबर वन पे आता है मुझे अच्छा लगता है पर्सनली ओके ज्यादा टाइम हिस्ट्री हुई नहीं है यहाँ पर गया फिर इसका नीचे आया इसके रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना रखी है ब्रेकआउट स्टॉक है इसके अच्छे खासे रिटर्न रिजल्ट टारगेट भी नजर आ रहे हैं तो इन शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं और इन्हीं शेयर को अपने पोर्टफोलियो पे नजर दीजिए और भी वीडियो आएंगी उनकी तरफ भी नजर रखिए रखिए उन उन वीडियो को भी, उन शेयर्स को भी भी शेयर्स अपनी लिस्ट में और कब आपको चेंज करना है वो आप मतलब परफॉर्मेंस को देखते हुए आपको चेंज करना है और फिर पांच साल से दस साल का टाइम दीजिए तब आप करोड़पति बनेंगे बट ये नहीं है कि आप एक आप दस हजार रुपए लगा के आप सोच रहे हो कि एक करोड़ रुपए मुझे पांच साल में दस साल में मिल जाएगा तो ये तो ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है ओके okay, आपके पास धीरे 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 आपका पैसा बढ़ेगा और जैसे अगर आप अच्छा खासा पैसा बनाएंगे और जैसे थोड़ी बहुत ट्रेडिंग हम बीच में करते रहते हैं इस तरीके से आपको बताते रहते हैं तो उस तरीके से भी आप पैसा कमाएंगे तो अच्छा खासा पैसा आप स्टॉक को चेंजेस करके एक्सचेंज कर करके कभी ये कभी ये तो आप अच्छा खासा तीस से चालीस का पैसा कमाएंगे और फिर आप अच्छा खासा पैसा मार्केट से करोड़पति बनने की जो आपकी राय है वो आसान हो जाएगी तो इसी चीज से रिलेटेड वीडियो थी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए नए लोगों को भी अपने हमारे साथ जुड़वाइए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे बेल आइकन को हिट करिए सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस